Good morning, my dear students. Okay, so we have completed a large portion of this chapter, and today it's our last lecture for this chapter. Okay, so name of the chapter was the French Revolution, and we have completed till that. We have just completed the revolt. हमने revolution को पूरा हमने पूरा जो French Revolution करवा दिया. उसके बाद में हमने we have seen the result, what all the consequences came after the French Revolution. Then today we will study the role of women in the French Revolution, rising of the Napoleon Bonaparte, some signs and the symbol of the revolt. Okay, and then there is a lady whose name was Arampe, about her and the party, Jacobian party, about them. All these points we will cover today. The first of all, we will study about role of woman in the French Revolution. Okay, as you know, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, women actively participated in Indian freedom struggle. Okay, in Indian freedom struggle, women actively participated. Okay, they participated actively. So in this one, in France also, women participated actively in the revolution, so that they can also get their demands fulfilled. ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या है, औरतों ने बहुत ही जो है जागरूक होकर उसमें सारा पार्ट लिया, ताकि जो है उनकी भी जो डिमांड्स हैं वो पूरी हो जाए. ठीक है, वो जो चाहती है सोसाइटी में चेंज, उनके लिए जो चेंज आना चाहिए वो सारा पूरा हो जाए. सो दे स्टार्टेड रिवॉल्टिंग अगेंस्ट द किंग. From the beginning, women actively participated in the movement, which brought about a sea of fundamental change in the French society. शुरू से जो है औरतें जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए जो है एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट कर रही थी, ताकि सोसाइटी में कुछ चेंज लेकर आए. They expected that their professional would complete the revolutionary government to include prisoners to improve their lot. उन्होंने क्या कहा कि जो प्रोफेशनल्स जो रिवॉल्ट कर रहे हैं वो क्या करेंगे, जब सब कुछ सही हो जाएगा तो गवर्नमेंट को बोलेंगे और हमारी जो डिमांड्स हम पूरा करेंगे, हमें जो है हमारी जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करेंगे. मोस्ट ऑफ द वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अर्निंग लाइवलीहुड फॉर देयर फैमिलीज. क्या आदमी मोस्टली क्या करते थे, रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करते या अदर वर्क करते, तो औरतें क्या करती थी, वो जो है घर के काम के लिए जो है लाइवलीहुड अर्न करती थी. ठीक है, वर्क करती थी, काम करती थी दूसरी जगह पर लाइवलीहुड अर्न करने के लिए. They work as a seamstress or laundress. Okay, वो क्या काम करती थी, seamstress मतलब सिलाई का काम करती थी, और laundry dresses means जो है कपड़े धोने का वगैरह काम वगैरह किया करती थी. फूल बेचा करती थी, फ्रूट्स बेचा करती थी, वेजिटेबल्स बेचा करती थी मार्केट में, और रिच पीपल के घर में एज ए सर्वेंट काम किया करती थी. मोस्ट ऑफ द वुमेन डिड नॉट हैव एनी एक्सेस टू एजुकेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग. ज़्यादातर औरतों की क्या है, एजुकेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं थी. ओनली डॉटर्स ऑफ, ठीक है, तो वो लोग क्या ज़्यादा पढ़ वगैरह नहीं पाते थे. ओनली डॉटर्स ऑफ नॉबल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट कुड कीप अप कॉन्वेंट आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज देयर मैरिज. क्योंकि अब बड़े जो या तो नॉबल्स की बेटियाँ या फिर जो थर्ड स्टेट के जो वेल्थियर पीपल है उनकी बेटियाँ पढ़ा करती थी, और उनको भी कॉन्वेंट तक मतलब थोड़ी बहुत क्लासेस पढ़ा देते थे, उसके बाद उन्हें भी जो है शादी, उनकी भी शादी कर दी जाती थी. और वुमेन का काम शादी के बाद क्या था, खाना बनाना, ठीक है, घर की देखभाल करना, बच्चों को पालना, ठीक है, ये सारा काम उनका होता था. देयर वेजेस वर लोअर देन द वेजेस ऑफ मैन. ठीक है, और उनका जो भी वो काम, अगर किसी के घर पर भी अगर काम करती थी, तो आदमियों को जितना सैलरी मिलता है, जितना वेज मिलता है, जितनी मजदूरी मिलती थी, उनको उतनी नहीं मिलती थी. वुमन स्टार्टेड देयर पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर टू डिस्कस द वॉइस एंड देयर डिमांड. औरतों ने क्या किया, उन्होंने अपने छोटे छोटे ग्रुप बना लिए, ठीक है, संगठन बना लिए, एंड उन्होंने क्या न्यूज़पेपर में वगैरह अपनी जो है आवाज उठाई है कि हमें भी अपने अधिकार दो. अबाउट 60 वुमन क्लब्स केम अप इन द वेरियस फ्रांस सिटीज. और फ्रांस में लगभग जो है 60 वुमन क्लब्स बन गए, 60 जो औरतों के क्लब बन गए थे. ठीक है, और वो क्या करना चाहते थे, पॉलिटिकल इक्वालिटी, कि हमें भी जो पॉलिटिकल अधिकार मिले, हम भी वोट दे सके, ये सारा अधिकार हमें मिलना चाहिए, ताकि वो अपना स्टेटस बढ़ा सके. सो वुमेन ने इसके लिए रेवोल्यूशन किया था. रिवाइज रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रेंच
रेवोल्यूशन फर्स्ट रेवोल्यूशन नवाबों का क्या होता, उन्होंने एक्टिवली जो है रेवोल्यूशन में पार्ट लिया था, ठीक है, ताकि उनके अधिकार उन्हें मिले, ताकि वो जो है फ्रीडम से जी सके, जो वो चाहती है वो कर सकें, पढ़ सकें, जॉब कर सकें, वोट दे सके. फॉर ऑल दीज दे डिमांडेड, दे यूज टू वर्क अर्लियर, लाइक दे यूज टू सेल फ्लावर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, एंड दे यूज टू सी स्टिच क्लोथस क्लोथ्स, कपड़े वगैरह वो सिला करती थी, या फिर दूसरों के घरों में काम किया करती थी. दे डोंट हैव, दे वर नॉट अलाउड टू गेट एजुकेशन, उनको एजुकेशन लेने का अधिकार नहीं दिया जाता था. शादी वगैरह करवाती जाती, शादी के बाद वही घर का काम, और उनकी जो वेजेस जो उनको मिलता था वो भी क्या है, आदमियों से काफ़ी कम था. तो उन्होंने क्या अपने पॉलिटिकल ग्रुप्स वगैरह बनाए, ताकि जो है अपने अधिकारों के लिए वो अपने अधिकारों को पाने के लिए वो जो है कोशिश करें. उनके लिए जो न्यूज़पेपर में वगैरह आवाज़ उठाई कि भाई हमें हमारा अधिकार दो, हमें भी पॉलिटिकल इक्वालिटी दो, सो दैट वी कैन ऑल्सो गिव वोट, ताकि हम भी वोट वगैरह दे सकें और गवर्नमेंट बनाने में हमारा भी कोई रोल हो. ओके, नाउ टेंथ राइज ऑफ नेपो, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज राइज ऑफ नेपोलियन. देयर वाज अ डिक्टेटर नेम्ड एज नेपोलियन, डिक्टेटर था जिसका नाम क्या था, नेपोलियन था. ओके, नेपोलियन बोनापार्ट, उसका राइज कैसे हुआ, कैसे वो फ्रांस में अपना जो है राज करने लगा. एज आई टोल्ड यू, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ लुई 16, आफ्टर व्हेन देयर वाज द एंड ऑफ मोनार्की, जब लुई 16 का राज खत्म हो गया, मोनार्की जो है खत्म हो गया, देन देयर वाज अ गवर्नमेंट नेम्ड एज जैकोबिन, जैकोबिन आई थी, लेकिन उसके भी बाद में कुछ विवाद, कुछ क्रिटिसिज्म हो गए थे, उसके जो लीडर थे मैक्सिमिलियन, उन्हें जो है मार दिया गया था, एग्जीक्यूट कर दिया गया था. Then there was a form, then the legislative council formed a directory. Legislative council ने क्या बनाई, एक directory बनाई 5 member की. तो अब उन members और legislative council में क्या लड़ाई होती थी, तो उस directory को जो हटा दिया गया, ठीक है. और फ्रांस में क्या है, political instability आ गई, कभी कुछ, कभी कोई राज करा, कभी कोई. तो इसका फायदा किसने उठाया, नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया. ओके, नेपोलियन बोनापार्ट डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ फ्रांस इन 1804. ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ फ्रांस. ओके, नेपोलियन ने अपने आप को जो है 1804 में, 1804 में अपने आप को फ्रांस का जो है ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एम्परर, राजा घोषित कर दिए, सम्राट घोषित कर दिए खुद को. ही प्लान टू कंक्वर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, डिस्पोजिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम. उसने क्या सोचा, उसने प्लान बनाया कि मैं जो बाकी आसपास की, मेरे जो आसपास की जो यूरोपियन कंट्रीज है उन पर जीत हासिल करूँ और उन्हें भी अपने अंडर में ले लूँ, ठीक है, और अपना बड़ा जो है किंगडम बनाऊ. वेर ट्वेल्व किंगडम्स वेर ही प्लेस्ड ऑफ हिज फैमिली मेंबर, वेर ही प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, और बड़ा क्रिएट किंगडम्स बनाता जाए और सब जगह अपने अपने जो है अपने फैमिली मेंबर को एक एक किंगडम दे दिए. नेपोलियन प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज द मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप. उन्होंने अपने आप को, नेपोलियन ने अपने आप को क्या कहा कि मैं जो है यूरोप को क्या कर रहा हूँ, आधुनिकता की ओर लेके जा रहा हूँ. यूरोप को क्या कर रहा हूँ, आधुनिकता मीन्स मॉडर्न बना रहा हूँ. सो ही इज द पर्सन हु इज मेकिंग मॉडर्न यूरोप, सो ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज मॉडर्नाइजर. ही इश्यू मैनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, बहुत सारे कानून उन्होंने बनाए, जैसे किसी भी इंसान की अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसके लिए लॉ बनाया. यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाई द डेसिमल सिस्टम, और वेट और मेजर्स मतलब सब जगह जो एक तरह का वेट और मेजर्स चलता था, मतलब उन सबकी एक यूनिट बना दी थी, यूनिफॉर्म हुआ करता था सब जगह. इन द बिगिनिंग मैनी टुक नेपोलियन टू बी लिबरेटर हु कुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल. शुरुआत में नेपोलियन ने अच्छे काम किए, सबने क्या कहा ये एक लिबरेटर है, मीन्स सबको जो है फ्रीडम से जीने देगा, सबके लिए अच्छा करेगा. बट सून द नेपोलियनिक आर्मी केम टू सीन एवरीवेयर ही एज एन इन्वेडिंग फोर्स. लेकिन धीरे धीरे क्या है, उन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया, इनकी जो आर्मी है सब जगह इन्वेड अटैक वगैरह करने लगी. फाइनली ही वॉज डिफीटेड एट वॉटरलू इन 1815, ठीक है. बाद में ये जो है हर जगह इनकी आर्मी अटैक करने लगी, तो इनका राजपाट कैसे खत्म हुआ, वॉटरलू इन द बैटल ऑफ वॉटरलू इन 1815 ही वॉज डिफीटेड, ने हरा दिया
गया था. मैनी ऑफ द पॉलिसीज दैट कैरीड रेवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज टू द अदर पार्ट ऑफ यूरोप हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द पीपल लॉन्ग आफ्टर ही लेफ्ट. लेकिन उसकी बहुत सारी पॉलिसीज जो है औरतों के लिए, बहुत सारे उनके जो नियम है औरतों के लिए और यूरोप के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आए, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उनके लिए काम आए और बाद में भी इस्तेमाल किए गए उनके जाने के बाद भी. दैट्स इट. ओके, नेपोलियन वॉज अ डिक्टेटर, मतलब ये क्या तानाशाह था, इसने जो फ्रांस पर अपना अधिकार जमा लिया था जब व्हेन द डायरेक्टरी वॉज डिसमिस, जब डायरेक्टरी को डिसमिस कर दिया तो इन्होंने अपने आप को क्या है इस मौके का फायदा उठा के खुद को जो एम्परर ऑफ, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस, खुद को फ्रांस का एम्परर बता दिया. ही रूल फॉर द लॉन्ग टाइम, ही मेड वेरियस चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस किए, आस पास की जगह को जीत कर अपने फैमिली मेम्बर्स को देने का ये सब उन्होंने सोचा. ओके, बहुत सारे चेंजेस वो वेट मेजर्स में वगैरह लेकर आए, औरतों के लिए वगैरह पॉलिसीज बताई. एंड फाइनली ही वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815 की जो बैटल हुई उन्हें हरा दिया गया. सम फैक्ट्स रिलेटेड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कुछ फैक्ट है फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है. लाइक इफ यू नो दैन वी सेड दैट वी स्टडीड लास्ट ईयर इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857, हमने पढ़ा था रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम वगैरह कि बहुत सारे सिंबल्स जो हैं हमारे आज़ादी की क्रांति के टाइम जो हैं इस्तेमाल किए गए थे. लाइक सिंबल ऑफ यू नो चपाती एंड फ्लावर्स, चपाती और फ्लावर का जो है सिंबल यूज किए जाते थे गणपति फेस्टिवल्स में, और भी तरीके से जो है महाराष्ट्र में जो गणपति फेस्टिवल हो और भी फेस्टिवल में जो अलग अलग तरह से जो है शिवाजी फेस्टिवल में लोगों को सिंबल्स वगैरह बताकर जो उन्हें जो रिवॉल्ट के बारे में जो मैसेज वगैरह दिया जाता था, सेम एज दैट फ्रांस में भी जो है कुछ सिंबल्स वगैरह यूज किए गए थे. ओके, फर्स्ट सिंबल इज ऑफ लुक हियर ब्रोकन चेन. ब्रोकन चेन मीन्स, चेन का मतलब क्या होता है, किसी को बांध के रखना. ब्रोकन चेन मीन्स एंड ऑफ स्लेवरी, मतलब गुलामी का खात्मा. ओके, देन देयर इज अ बंडल ऑफ स्टिक्स, देयर इज अ बंडल ऑफ रॉड्स, और यहाँ पे रॉड्स का एक बंडल है जिसके अंदर जो है बहुत सारे रॉड्स जो है, बहुत सारे जो रॉड्स जो है जोड़ रखी है. ओके, और इन रॉड्स को क्या है, जब ये सारी साथ में हो तो इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता. तो ये क्या बताती, बंडल ऑफ रॉड्स क्या बताता है, इक्वालिटी, सॉरी यूनिटी, क्या शो करता है, यूनिटी, एकता बताता है. देन देयर इज अ सिंबल ऑफ आई इन अ ट्रायंगल, ट्रायंगल में एक आई बताई गई है, ठीक है. आई जो ये आई किसकी, एक नॉलेज, इट इज अ आई ऑफ नॉलेज, नॉलेज की, और जो सन रेज आएगी, अब उसके बाद सूरज की किरणें दे रखी, लुक इज अ ट्रायंगल ऑफ सिंबल एंड हियर इट इज वन आई. ओके, आउटसाइड इट देयर आर रेज, तो ये आई क्या बताती है, नॉलेज को बताती है. एंड दीज रेज शोज दैट द डार्कनेस, ये जो अंधेरे जिसके जो बादल है, जो इग्नोरेंस जो इग्नोर कर रहे हैं हमें राजा, वो एक दिन हटेगी, सूरज की किरणें उन्हें हटाएगी, इग्नोरेंस को हटाएगी. ओके, स्पैटर, स्पैटर व्हाट इज दिस, ये रॉयल, ये क्या बताता है, स्टिक जो एक छड़ी है, स्टैपर जो एक शासन को बताता है, ठीक है, एक जो है राजा के शासन को बताता है. देन देयर इज अ रिंग ऑफ स्नेक, जिसके अंदर स्नेक अपनी टेल को मुंह में ले लेता है, ऐसा एक रिंग बनी है. दिस शोज अटर्निटी, ये क्या बताता है, अटर्निटी बताता है, अटर्निटी मीन्स जो कभी खत्म नहीं होता, जो अनंत काल तक चलता है. ओके, दिस शोज अटर्निटी मीन्स जो फ्रांस के अंदर जो कुछ भी, द साइड बाइटिंग रिंग सिग्निफाइज अ सिंबल ऑफ अटर्निटी बिकॉज इट हैज नाइदर ब्रिंगिंग नॉर अ एंड, मतलब जो फ्रांस की जो ये रेवोल्यूशन है कभी खत्म नहीं होगा, और फ्रांस की जो ये अटर्निटी जो ये कभी खत्म नहीं होगी. ब्लू व्हाइट रेड सिंबल जो बताया गया था, दैट इज नेशनल कलर ऑफ फ्रांस, नेशनल कलर है फ्रांस के, कौन कौन सा, ब्लू व्हाइट और रेड. फिर एक कैप है जो स्लेव्स पहना करते थे देर बिके, और बाद में उन्होंने वो पहनना छोड़ दिया जब वो क्या फ्री हो गए तब. ओके, और ऐसे कुछ टेबलेट्स बनाई जिसका मतलब क्या, सब कानून की नजर में बराबर होना चाहिए, सब इक्वल इक्वल टेबलेट्स बनाई जिसका मतलब क्या, सब कानून की नजर में इक्वल है. देन वेन वुमेन, एक वुमेन जो है उसको पंख दिए हुए, मतलब लाइक फ्लाइंग, एक जो है एंजल जैसा बताया गया है, मतलब वो क्या है, फ्री है, अपने अंदाज में वो फ्री है, दैट शोज फ्री और पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ. ओके, पॉलिटिकल सिंबल्स के बारे में वी हैव डिस्कस, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट जैकोबिन्स. हम किसके बारे में बात करेंगे, जैकोबिन्स. एज यू नो दैट फ्रांस के लोग जो है कंटिन्यूसली दे वर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम एंड इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ फ्रीडम के लिए वो कंटिन्यूस फाइट कर रहे थे. देन द मैन वर फाइटिंग
सब लोग फाइट कर रहे थे ताकि वो जो और थे मैन फाइट कर रहे थे रेवोल्यूशन के लिए, एंड वुमेन यूज टू डू देयर हाउस होल्ड कोर्स एंड अर्न लाइवलीहुड और थे क्या करती थी, घर चलाती थी, जो है पैसा कमा के घर चलाती थी। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है इसके अंदर चली गई, इस रेवोल्यूशन के अंदर चली गई, चाहे अभी जो भी रिचर सेक्शन वगैरह है सारे लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लग गए। तो पॉलिटिकल कैन एन बी इम्पॉर्टेंट एवेन्यू। अब उस टाइम क्या है, उनको जरूरत क्या थी, जैसे हमारे यहाँ पे कांग्रेस बनी थी ना, वैसे वहाँ पर जो है हमारे आज़ादी की क्रांति के टाइम स्ट्रगल पीरियड के टाइम एक पार्टी बनी थी 1885 में कांग्रेस, सेम लाइक दैट इनके अंदर भी जो है पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत थी। तो पॉलिटिकल पार्टी जो क्लब कौन सा एक रास्ता था उनके लिए, सो वो जो ग्रुप था पॉलिटिकल क्लब का उसका नाम क्या था, जैकोबिन। ओके, इनके थ्रू जो है लोग अपनी बात जो है गवर्नमेंट के तक पहुँचाते थे। ठीक है, और ये जैकोबिन कम जो है सेंट जैकोब जो पेरिस में थे कॉन्वेंट, उनके नाम से ये पड़ा, सेंट जैकोब के नाम से ये पड़ा था। और इस क्लब ने जो है लोगों की आज़ादी के लिए फ्रीली एक्टिवली पार्टिसिपेटेड फॉर दी पीपल। द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन कम बिलोंग टू द लेस प्रॉस्पर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मेनली स्मॉल शॉपकीपर, आर्टिशियन सच एज शूमेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉचमेकर, पेंटर एज वेल सर्वेंट्स ऑफ द डेली वेजेस वर्कर। और जो जैकोबिन क्लब के जो लोग थे जो मेंबर्स थे वो क्या थे, लोग लेस प्रॉस्परस, वो क्या है ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, नॉर्मल पीपल थे, वो क्या थे मेनली आर्टिशियंस, कलाकार वगैरह, छोटे दुकानदार जो बेकरी में काम किया करते थे, पेंटर थे या सर्वेंट थे जो डेली बेसिस पे काम किया करते थे, ये लोग थे। अब इस जैकोबिन क्लब के लीडर कौन थे, मैक्सिमिलियन, हमने पढ़ा था इनके बारे में कि इनके बाद में क्रिटिसिज्म शुरू हुआ था, इनको मार दिया गया था, एग्जीक्यूट कर दिया गया था। अ लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन डिसाइडेड वेयर लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर सिमिलर टू दोज वॉर्न बाय द ब्लॉक वर्कर्स। उन्होंने क्या कहा, हम ब्लॉक जो है ट्राउजर्स पहनेंगे। ठीक है, स्ट्रिप ट्राउजर जो डॉक वर्कर, डॉक वर्कर्स क्या है, बंदरगाह के काम करने वाले मजदूर जैसे पहनते हैं वैसे। दिस वॉज डन टू सेपरेट देमसेल्फ फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ताकि सोसाइटी के जो फैशनेबल सेक्शन है उसे दूर किया जाए। हु वर नी ब्रीचर्स, जो कि आप पहना करते थे नी ब्रीचर्स। ठीक है, अमीर लोग क्या करते थे, अपने घुटनों तक हाफ पैंट्स पहना करते थे, अपने घुटनों तक जो है ब्रीचेस पहना करते थे, हाफ पैंट्स पहना करते थे, और ये लोग फुल पहनने लग गए। और ये सिंपल था कि जो है आप ब्रीचेस का पावर खत्म होने वाला है, अमीरों का पावर खत्म होने वाला है। सेंट सेल्स कुलर्स मैन वॉर रेड कैप्स इन एडिशन, और सेल्स कुलर्स जो थे वो क्या पहनते थे, साथ में जो है उनके साथ क्या पहनते थे, रेड कैप भी पहनते थे। इसका मतलब क्या है, लिबर्टी, आजादी का मतलब था। हाउएवर वुमेन वर नॉट अलाउड टू डू सो, औरतों को ये सब अधिकार नहीं था। ओके, मीन्स वॉट, जैकोबिन पार्टीज ने लोगों की मदद की, जो भी बात थी वो कहाँ तक, राजा तक पहुँचाई थी लोगों की। उन्होंने क्या किया था, डॉकयार्ड में जो वर्कर काम करते थे उनकी जैसे फुल कपड़े पहनना शुरू किए। इसका मतलब क्या है, जो शॉर्ट कपड़े पहनने वालों की जो अब सहमत आ गई है, उनका जो है रोल खत्म हुआ, और साथ साथ वो क्या है एक रेड कैप भी पहनते थे जो उनकी आज़ादी को बताता था। ओके, नाउ नेक्स्ट, द लाइफ ऑफ रेवोल्यूशनरी वुमेन ओलंपिया डे ग्रुएज। अब एक रेवोल्यूशनरी, एक आज़ादी की क्रांतिकारी थी एक लेडी, ठीक है, उनकी स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे, जिनका नाम क्या है, ओलंपिक, व्हाट इज हर नेम, ओलंपिक, हियर इज अ पिक्चर। ओलंपिक डे वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पॉलिटिकली एक्टिवली वुमेन इन फ्रांस रेवोल्यूशन। ओलंपिक क्या है, फ्रांस रेवोल्यूशन में जितनी भी वुमेन पार्टिसिपेट कर रही थी उनमें से सबसे एक्टिवली ये पार्टिसिपेट कर रही थी, एक्टिव वुमेन्स में से एक थी ये, शी वॉज ऑफ एक्टिव वुमन। She protested against the constitution and declared rights of man and citizen as deprived women, basic rights that each human who is was entitled to do. So उनके क्या है, उन्होंने जो है आवाज उठाई राइट्स, उन्होंने कहा कि आदमी और सिटीजन जो भी है उनको बराबर अधिकार मिलने चाहिए, और औरतों को भी जो है बराबर अधिकार मिलने चाहिए। इसके बारे में उन्होंने जो है डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन ये जो है एक बुक में इन्होंने लिखा था। उन्होंने जो है विश ही एड्रेस टू द क्वीन एंड टू द मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली डिमांडिंग द एक्ट अपॉन इट, और उन्होंने क्या किया इसमें जो है डिमांड की जो रानी से और सबसे कि जो मैं ये कह रही हूँ सारे राइट जो है औरतों को मिलने चाहिए, आदमी औरतों सबको। ठीक है, उन्होंने जो है जैकोबिन गवर्नमेंट को क्या किया, क्रिटिसाइज किया कि जैकोबिन गवर्नमेंट जो है औरतों के क्लब्स वगैरह बंद करवा रही है, सब कुछ क्या है गलत है। तो इसका क्या हुआ, उन्हें जो है चार्ज कर दिया गया, उन्हें क्या उन पर आरोप लगा दिया गया, शी वॉज चार्ज एज ट्रिजन, उन्हें ट्रिजन का आरोप लगा दिया। ट्रिजन मीन्स वॉट, राजद्रोह। ओके,
और उसके बाद उन्हें जो एग्जीक्यूट कर दिया गया, उन्हें फांसी पर लटका दिया गया, मार दिया गया, ठीक है। शी एक्टिव, अब इन्होंने किया कि एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, औरतों के आदमी के अधिकार की मांग की थी, बराबर अधिकार की मांग की थी। उन्होंने रानी को और नेशनल असेंबली को बताया कि भाई ये सब होना चाहिए, औरतों को भी इक्वल अधिकार दो। और जब ये जैकोबिन पार्टी के खिलाफ गई, क्लब के खिलाफ गई, तो इनको क्या चार्ज कर दिया, इनको ब्लेम किया गया कि तुम राजद्रोह कर रही हो, इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया। नाउ देर आर द लास्ट फाइव पॉइंट्स, ओके, लास्ट फाइव पॉइंट्स हैं। उन्होंने क्या कहा था अपने डिक्लेरेशन में, इन आर डिक्लेरेशन व्हाट शी टोल्ड, कि और वुमेन आर बॉर्न फ्री एंड रिमेन इक्वल टू मैन इन राइट्स। औरतें क्या हैं, फ्रीली बॉर्न करती है और उनके अधिकार आदमियों के बराबर उन्हें चाहिए। जो भी राइट्स है मैन और वुमेन के, वो नेचुरल है, क्योंकि उनको लिबर्टी है, सब कुछ उनके पास अधिकार है। ऑल सोर्सेज ऑफ सर्टेन रिसाइड इन द नेशन विच नथिंग बट यूनियन ऑफ वुमेन एंड मैन वुमेन। उन्होंने क्या कहा, आज़ादी की जो ये दास्तान है, देश में जो आज़ादी की जो दास्तान रहती है, वो किससे रहती है, आदमी और औरत जब बराबर हो, दोनों की क्या यूनियन हो, दोनों में एकता हो, तभी देश सही से चलता है, ठीक है। एंड सेम वाइज उन्होंने जो जो लोगों के जो है राइट्स के बारे में बताया था अपनी बुक में, लास्ट वन, नो वुमेन इज एक्सेप्शन, शी इज अक्यूज, कोई भी औरत जो है एक्सेप्शन नहीं है, उसे जो है एक्यूज किया जाता, ब्लेम किया जाता, अरेस्ट किया जाता, डिनाइड इन द केस ऑफ डिटरमाइंड बाई लॉ। वुमेन इज लाइक मैन, ऑबे द रिग्रेस लॉ। औरतें और आदमी क्या है, बराबर है, और इस कठोर जो कानून को जो है उनके लिए मत लागू करो, ओके। दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, ओके, एंड आई विल सेंड यू योर वर्क सून, वी विल अरेंज वन टेस्ट फॉर यू। Thank you. Have a nice day.